जिस ट्रैवलिंग रूम स्टूडेंट्स मुतालिया पाकिस्तान के एमसीक्यूज कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यूज हम बाय पार्ट्स कर रहे हैं, ये हमारा 6वां पार्ट तैयार हो रहा है एमसीक्यूज का। तो इस पार्ट में हम एमसीक्यूज को कर रहे हैं जी। पाकिस्तान की कुल आबादी रकबा कितना है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में पेपर में आ चुका हुआ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो को सिर्फ 100-150 लोग देखते हैं, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये शेयर करें, वीडियो ग्रुपों में शेयर करें, जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। और अगर आप वीडियो को देखते हुए बोर हो जाते हैं तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे नीचे ऑप्शन होता है, नीचे आप देखेंगे तो आपको छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे वीडियो की स्पीड को तेज़ करने का भी ऑप्शन मौजूद होता है जी। मशरकी पाकिस्तान की आबादी कुल रकबा कितने फ़ीसद है? 56% था। सदर अयूब खान ने ज़रई असलाहत का ऐलान किया 1959 में। क्या में पाकिस्तान किस सदी का वाक़िया? 20वीं। 1947 में पाकिस्तान बना था, तो 19 आया, इसका मतलब 19 सदियां पूरी हो चुकी थी। और कौन सी सदी चल रही थी? 20वीं। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली, बहुत दफा सवाल पेपर में आ चुका हुआ है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ कब हुआ? 1916 में। जंग अजीम दौम किस साल शुरू हुई? 1939 में। 39 में तकसीम हिंद के वक्त बरसगीर में कितनी देसी रियासतें थी? 635 रियासतें थी। पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ पहाड़ी से कोहे कराक्रम, बहुत दफा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू की बुलंदी कितनी है? 8,611 मीटर। किलोमीटर नहीं लगाना, मीटर जी। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। केटू की बुलंदी कितनी है? 8,611 मीटर। दोबारा रिपीट हो गया एमसीक्यूज। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में जीत हुई, किसकी जीत? पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद। जापान के लोगों का नजरिया के तहत जिंदगी गुजारते हैं बुद्ध मत, बुतों की पूजा करने वाले जो हैं, बुद्ध मत एक बड़ा सा बुत होता है, उसकी ये पूजा करते हैं। अंग्रेज़ों ने की वजह से मुसलमानों को फौज से निकाल दिया, मुस्लिम तासुब यानी मुसलमानों से नफरत की वजह से। करारदादे लाहौर पेश की गई फजल हक, ए के फजल हक ने। जंग प्लासी हुई 1757 में, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के नाम से मशहूर थे राजा जी। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाकया है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के मोहल्ले वकूई के सारे जो साइडें हैं मशरक मगरब, ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, याद कर लेना अच्छी तरह। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। परिंदा चकोर है, जानवर मारखोर है, ये बात का ख्याल रखना आपने, ठीक है जी। अगले एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ 1 जुलाई 1948 को। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक थे चौधरी रहमत अली, रिपीट हुआ काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज। कानूनी आज़ादी हिंद कब मंजूर हुई? 18 जुलाई 1947 में। करारदार लाहौर आल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर हुई? 1940 में। कायदे आजम मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913 में, एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। शराय रेशम किस दरा से पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है? दरा खंजराब, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ। पाकिस्तान का कौमी जानवर है तो मारखोर, ठीक है, परिंदा है तो चकोर, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से लगाना। बियानफो नाम है ग्लेशियर का, ग्लेशियर है उसका नाम है बियानफो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान, एक मिनट है जी, मिक्स हो गया एमसीक्यू किस गया, स्टेट बैंक का अफ्तिताह हो गया था जी। बियानफो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास का मुआहिदा किसकी मदद से हुआ? आलमी बैंक की मदद से। 1956 के आइन में कितनी देर तक नाफिज रहा?
2 साल 7 माह। 1956 का इनकी देर रहा, 1962 का इनकी देर नाफिज रहा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज का ये 6वां पार्ट हमारा तैयार हो गया, हम बाय पार्ट्स कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट है इंशाल्लाह, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो जो से इसको देखें इसी में से एमसीक्यूज आएंगे और बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनर एमसीक्यूज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।